चलिए देखिए, बायो मॉलिक्यूल में हुँ? कुछ हम इसको बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। बिल्कुल सही बताया महाराज ने कि वो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने में यूज होते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को साइज और शेप के बेसिस पे हमने क्या किया कि उनके साइज पे इनफैक्ट शेप के बेसिस पे हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो जो छोटे साइज में और मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइज में बड़े हो। अब क्या है कि हमने कहा कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका साइज मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल में जिनका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट जो है ये किसके बीट का है, जिसका 18 से लेकर के 800 18 से लेकर के 800 डाल्टन, ठीक है, और या फिर इससे कम है ना, मतलब लेस देन आप कह सकते हैं कि लेस देन 1000। तो 1000 डाल्टन से जो नीचे वाले हैं उनको हमने कहा माइक्रो मॉलिक्यूल है ना। अब दूसरे कौन होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल किनको बोला, तो मैक्रो मॉलिक्यूल हमने ये बोला कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इससे ऊपर होंगे है ना, 1000 से ज्यादा होंगे, तो मैक्रो मॉलिक्यूल को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, कि साइज में लार्जर होते हैं जिनका जो वेट यूजुअली जो होता है, यूजुअली वेट विल बी 10,000 डाल्टन एंड अबव, एक्सेप्ट समझना, एक्सेप्ट लिपिड। तो लिपिड है तो देखो मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से कम है, ठीक है। तो ये दोनों को हमने इस बेसिस पे मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन लो, द केमिकल मॉलिक्यूल, द केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल, आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकते हैं। दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, स्टॉप। डिपेंडिंग अपॉन, नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी दे मे बी ऑफ टू टाइप, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। माइक्रो मॉलिक्यूल आर स्मॉल इन साइज, माइक्रो मॉलिक्यूल आर स्मॉल इन साइज and they have low molecular weight, they have low molecular weight, in general the molecular weight remains between 18 to 800 डॉलर, 800 डॉल्टन, 18 टू
800 डॉल्टन और वी कैन से और वी कैन से दे आर दे हैव लेस देन 1000 डॉल्टन और वी कैन से दे हैव लेस देन 1000 डॉल्टन मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल आर लार्ज साइज्ड. मैक्रोमॉलिक्यूल आर लार्ज साइज्ड केमिकल्स दैट हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट. हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट. फुल स्टॉप. It is usually 10,000 Dalton and above. It is usually 10,000 Dalton and above, except lipid. Underline करो except lipid. ये question पूछा हुआ question है. Neat का. They are एक point और underline करो. They are always organic macromolecule. They are always organic. ठीक भाई. अब मैं आपको एक और चीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. The average composition of लिविंग सेल. ठीक है, तो किसी भी लिविंग सेल का कॉम्पोजिशन हम लोग समझ लेते हैं केमिकली. तो एवरेज किसी भी लिविंग सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें आपका वाटर होता है 70-90% तो वाटर होता है, डिपेंडिंग प्लांट है कि एनिमल है ना. दूसरा क्या होता है, इसमें 10-15% प्रोटीन पाई जाती है. तो प्रोटीन होगा आपका जाकर के 10-15%, है ना. कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा जाकर के आपका अप्रोक्सीमेटली 3%. लिपिड 2%, है ना. न्यूक्लिक एसिड, बस यही हमें पढ़ना है. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड होता है 5-7%, है ना. और बाकी क्या होते हैं, बाकी होते हैं मिनरल आयन 1% के अप्रोक्सीमेटली होते हैं, है ना. सो दैट इज द एक्चुअली केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल. क्लियर, नोट कर लीजिए. कर लिया. नोट कर लिया. ठीक है, अब एक चीज इसी के नीचे नोट लिखो जो मैंने आपको अभी बताया था कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. लिखो नोट. ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है. लिपिड्स आर कंसीडर्ड टू बी मैक्रोमोलिक्यूल दो दे हैव They have molecular weight. So they have molecular weight less than 800 Dalton. So they have molecular weight less than 800 Dalton. ठीक है. ठीक. तो ये हो गया. अब एक एक करके हम लोग डालते हैं. सबसे पहले क्या इसमें बायोमोलिक्यूल में दे रखा है, अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एक मिनट.
ले सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। एक्चुअली प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है उसमें डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होते हैं उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं, है ना। समटाइम्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हम लोग उनका यूज भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर तो मैं आपको दो चीजें लिखा देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक लिखा देता हूँ। एनसीईआरटी के ही मैं अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ आपको, है ना, बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर आपके स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंजाइम वाला पार्ट। उसके हालांकि मैं आपको अपने हैंड राइटिंग नोट्स दे दूंगा, मेरा नोट्स बना रखे वो मैं दे देता हूँ, और मैं आपको पहले लिखा देता हूँ अकॉर्डिंग मेटाबोलाइट, राइट, ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग डालो मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स तो सिंपल है, नोट करेंगे, सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड like carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, मतलब DNA और RNA, nucleic acid, etc. are the required for the basic metabolic process throughout the plant kingdom. Let's stop. These organic compounds are called primary metabolites. तो ये जितने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, है ना, ये पूरे प्लांट वर्ल्ड में सब जगह पाए जाते हैं, इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन primary metabolism. The organic compound which are not involved in primary metabolism, like the photosynthesis, respiration, protein metabolism, etc. Full stop. They seem to have no direct function. They seem to have no direct function in growth and development. Growth and development of plant are called secondary metabolite. अब secondary metabolite कौन कौन से होते हैं मैं आपको कुछ बता देता हूं, वो आप याद रखिएगा। पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट्स क्या हो गए,
क्लोरोफिल के अलावा जितनी सारी चीजें प्लांट को कलर दे उनको पिगमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंथोसाइनिन ले लो, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है ना, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया है ना। दूसरा एल्कोलाइट, एल्कोलाइट जानते हो क्या होते हैं? एल्कोलाइट जैसे कि एल्कोलाइट में हमारे आगे मॉर्फिन, अफीम जिसको बोलते हो, मॉर्फिन, तो मॉर्फिन एल्कोलाइड होता है ना, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, इसेंशियल ऑयल लेमन में जैसे आप देखते हो ना, आप लेमन में जो फ्रेग्रेंस आती है इसेंशियल ऑयल की आती है ना, इसेंशियल ऑयल है ना, लाइक लेमन। टॉक्सिन्स, ये प्लांट अपने डिफेंस के लिए बनाते हैं टॉक्सिन्स है ना, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ड्रग्स जो प्लांट में निकलते हैं, ड्रग्स है ना, तो ड्रग्स ये हो गए क्या, सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पिगमेंट, एल्कोलाइड, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं। एल्कोलाइड का क्या रोल है, ये प्लांट को डिफेंड करने का काम करते हैं। पिगमेंट का क्या काम है, तो एल्कोलाइड नहीं होंगे तो भी क्या होगा, प्लांट तो ग्रो करेगा। पिगमेंट ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं है ना, प्लांट को कलर देने। एसेंशियल ऑयल ये भी फ्रेग्रेंस पैदा करते हैं, तो वो होता है पॉलिनेशन होता है। टॉक्सिन्स डिफेंस करने का काम करते हैं, ड्रग्स डिफेंड करने का काम करते हैं है ना, तो इस तरह से इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सब चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वही होते हैं जिनका डायरेक्ट किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में रोल होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका डायरेक्ट किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में रोल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर? यस सर, क्लियर है। ग्रेट, ये बात समझ में आया भाई? यस सर। चलो ग्रेट, तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है, आपको कितने रखा था, प्रोटीन दे रखा है, फिर पॉलीसेकेराइड उल्टा सीधा लिखा है। चलो तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको कि पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रखा है पॉलीसेकेराइड। तो चलो पहले हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बो कार्बोहाइड्रेट है ना, और हम इसे बोलते हैं, आपके इसमें दिया है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉली मैंने बहुत सारे सेकेराइड मतलब शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड कहते किसको है? देखो भाई साहब, सिंपल है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड CN H2O ON इस फॉर्मूले को फॉलो करे तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट है ना, या फिर हम कह सकते हैं, और अगर कोई भी CH2O इसका होल है ना, कोई भी इस फॉर्मूले को फॉलो करे तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट, कोई से भी आप ले लीजिए सब यही होते हैं ना, C6H12O6 आप देख लो है ना, C6H12O6। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं है ना, तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, नोट कर लो, अभी होते क्या, इनकी डेफिनेशन नोट करो। और ये जरूरी नहीं कि हर कार्बोहाइड्रेट मीठा हो, अभी हम देखेंगे। नोट करो, द कार्बोहाइड्रेट्स आर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which bear
टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और इंटरनल इंटरनल और इंटरनल कीटोन ग्रुप, इंटरनल कीटोन ग्रुप और सीओ ग्रुप और सीओ ग्रुप फुलस्टॉप। तो या तो टर्मिनली उसमें सीएचओ जुड़ा हो एल्डिहाइड या कीटोन या सीओ ग्रुप इंटरनली जुड़ा हो। तो अगर ये दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। दे हैव जनरल फॉर्मूला, दोनों अच्छा फॉर्मूला लिख लो। दे हैव जनरल फॉर्मूला दिस एंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ प्लांट, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ प्लांट विच मे बी अप टू 80%। दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ प्लांट विच मे बी अप टू 80%। फुलस्टॉप। The small carbohydrate are called monosaccharide. Small carbohydrates are called monosaccharide. And large carbohydrate are called polysaccharide. बताएंगे इन दोनों के बीच के oligosaccharide रहते हैं। Small carbohydrate are called monosaccharide and the large carbohydrate are called polysaccharide. Let's talk. Commonly they are sweet in taste. Commonly they are sweet in taste, hence called sugar. अब देखो small carbohydrate कौन कौन होते हैं, small carbohydrate। अब small carbohydrate में है ना सबसे पहले आते हैं मोनोसैक्राइड। इनको कहा जाता है, ठीक है। तो मोनोसैक्राइड वो होते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, है ना, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है मोनोसैक्राइड का, ठीक है। आप नोट करेंगे they may be of five type। अब ये जो मोनोसैक्राइड होते हैं ये पांच तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं ट्रायोस वो होते हैं, दे हैव थ्री कार्बन एटम, ठीक है। फिर आते हैं टेट्रोस वो होते हैं, दे हैव फोर कार्बन एटम। फिर आते हैं पेंटोस में होते हैं कितने, फाइव कार्बन एटम, ठीक है। फिर आते हैं हेक्सोस में होते हैं सिक्स कार्बन एटम, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है हेप्टोस में होते हैं सेवन कार्बन एटम। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको मोनोसैक्राइड बोलते हैं। तो और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, तो मतलब कार्बन कितने हो सकते हैं, तीन से लेकर के सात कार्बन तक हो सकते हैं। अब देखो जैसे हेक्सोस का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हेक्सोस का एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज। सो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैक्राइड है
और मोनोसैकेराइड में क्या है हेक्सोजन, क्यों C6H12 और CO6। देखो फॉर्मूले को भी फॉलो कर रहा है ना, और ये क्या है हेक्सोज है। उसी तरह से आप देखोगे पेंटोज शुगर है ना, तो जैसे आपने देखा होगा डिऑक्सीराइबोज शुगर है, जैसे राइबोज शुगर है, ये डीएनए में पाई जाती है। तो जो राइबोज शुगर होती है ये डीएनए में पाई जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं डिऑक्सीराइबोज शुगर, या आरएनए को क्या बोलते हो राइबोज शुगर। तो एक्चुअली वहां पर राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वहां पर राइबोज शुगर पाई जाती है। तो राइबोज शुगर 5 कार्बन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है, क्लियर, क्या समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना भाई, ठीक। अब देखो, अब यहां पर जब दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को साथ फ्यूज होते हैं ना, तो ये हो गया मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, नोट करेंगे, तो पहले मोनो सेकंड ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड नेक्स्ट सेकंड करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड। तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के मिलने से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, है ना, नोट करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आप देखो ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले C6H12O6, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, या यूं कहें कि ग्लूकोज का दूसरा फॉर्मूला C6H12O6। तो दो ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं, तो सुक्रोज बनाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा C12H22O11। अब देखो यहां पर साथ में क्या होगा कि साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो जब भी कंडेंसेशन होगा है ना, कंडेंसेशन मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या दो शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते क्या है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, कैसे कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अब देखो याद रखना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, है ना, लो Now I'm going to show you the diagram where glycosidic bonds are being formed. तो और कैसे वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो तो मैंने आपसे बताया कि यहां पर दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में, ध्यान रखना ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, याद रखना। तो मैंने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, तो देखो मोनोसैकेराइड था, तो हमने अभी भी पढ़ा कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां पर एक ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक ये हेक्सोज है और एक ये हेक्सोज है, पेंटोज है ना, हेक्सोज है। तो अब यहां पर क्या होता है, ये कोई से भी दो शुगर रहते है ना, चलो इसको हटा देता हूँ, और बताता हूँ दूसरा, बताऊ एक पेंटोज एक्चुअली इसमें देखो
ये देखो, अब यहां पर देखो क्या है, अभी हमने हीवा पढ़ा कि एक मोनोसैकेराइड ये, एक मोनोपेप्टाइड, देखो दोनों हेक्सोस हैं। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो दोनों के पास यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मैंने कहा कि जब भी दोनों के बीच में, दोनों सुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब देखो यहां पर क्या होगा कि थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एक एच और इस वाले का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों यहां से टूट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये देखो माइनस एस टू है ना, कंडेंसेशन हो माइनस एस टू हो, और माइनस एस टू में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो जब भी मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो दो ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो जब भी क्या होगा, ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का, मतलब कोई सी भी मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड बनाएंगे, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या दो सुगर के मॉलिक्यूल के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और ग्लाइकोसिडिक, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट है, बताओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा दो सुगर आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है, सुगर आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस में वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्या होता है, अगर अपन इनका हाइड्रोलिसिस करा दें, है ना, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल एड ऑन कर दें, तो फिर दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, बोले भाई। तो डाइजेशन में क्या होता है, आप रोटी खाते हैं, आप डाइसैकेराइड खाया, है ना। अब जब भी आपने डाइसैकेराइड खाया तो डाइसैकेराइड के खाते ही क्या हुआ कि डाइसैकेराइड आपके खाते ही आपके पेट में गया, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, और जब भी वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे तो उस समय वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होगा। क्लियर है, कुछ नए लोग बार बार एंटर कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ क्लास। ये हो गया डाइसैकेराइड, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड बताऊंगा हम नेक्स्ट क्लास में, हेडिंग डालो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड हेडिंग डाल लेते हैं। मेरा शिवा समझ आ गया तुम लोगों को, यस सर समझ में आ गया सर, ठीक है। तो मेरा आज नेक्स्ट क्लास पे टाइम पे आएगा ना, है ना, टाइम पे आना भाई, यस शार्प एट 7, ठीक है बा, ऑल क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप मुझे याद दिलाओगे कि पॉलीसेक्राइड से स्टार्ट करना, मतलब वी हैव नॉट कंप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे प्रोटीन एंड ऑल दैट पार्ट, ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, बाय बाय, टेक केयर।